जय हिंद दोस्तों, मैं निकेत कुमार बिहार कृषि कॉलेज सवर भागलपुर से एग्री गाइडेंस के इस यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 30 जुलाई 2024 को पीजी का काउंसलिंग का डेट है, तो काउंसलिंग लेटर में कौन कौन से इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, उसके साथ ही साथ काउंसलिंग के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितना फ़ी लगेगा और BAU के अंतर्गत जितने भी कॉलेज जहाँ पर PG की पढ़ाई होती है उन सभी कॉलेज में कितने कितने सीट हैं और ओवरऑल BAU में कितने कितने सीट हैं, उन सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो बिना टाइम गवाए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब भी आप यहाँ पर काउंसलिंग के लिए आइएगा तो आपके पास लेटर ऑफ काउंसलिंग यानी कि जो ये लेटर आप देख रहे हैं वो आप लोगों के पास होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। इसमें क्या होता है क्या कि इसमें आप लोग का जो जनरल आपका जो बायोडाटा होता है वो दिया रहता है, उसके साथ ही साथ आपका रैंक कितना आया है, ठीक है। डेट ऑफ काउंसलिंग है 30 जुलाई 2024 को 10:30 बजे से, कहाँ पर होगा तो मेन ऑडिटोरियम बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सवर भागलपुर, ठीक है, यानी कि जो है BAU का जो मेन कैंपस है वहीं पर होना है। आगे हम बात करते हैं कि इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन कौन कौन से इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए। देखिए, अगर कोई स्टूडेंट को जो है मास्टर डिग्री यानी कि MSc एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना है तो उसका जो है BSc एग्रीकल्चर यानी कि बैचलर डिग्री में जो है 6 OGP या 60% होना चाहिए। अगर वह कैंडिडेट SC या ST कैटेगरी से आता है तो 55% या 5.5 OGP 10 में उसका होना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट PhD डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहता है तो उसका जो है 70% या 7 OGP। अगर कोई कैंडिडेट SC ST कैटेगरी से है तो उसका 6.5 OGP या 65% उसका मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद थर्ड नंबर में दिया है क्या कि अगर कोई स्टूडेंट जो है एडमिशन लेने के लिए यहाँ पर आता है तो उसके पास PDC यानी कि प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट और ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए काउंसलिंग के समय में। और वह स्टूडेंट जो है जो 7 जुलाई 2024 को जो एग्ज़ाम हुआ है PG का वह उसमें क्वालिफाई भी होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि जितने भी डॉक्यूमेंट बताए गए हैं सभी डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल फॉर्म और साथ साथ ही में एक फ़ोटोकॉपी भी उसके पास होना चाहिए। उसके साथ ही साथ 3 फ़ोटो, ठीक है, 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी उसके पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी कुछ जो है इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन थे। उसके बाद जो है काउंसलिंग के समय में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे इसके बारे में मैंने एक वीडियो पहले ही बना दिया है, अगर उस वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और साथ ही साथ में जब भी आप काउंसलिंग के लिए आते हैं तो आप लोगों के पास जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ठीक है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आप लोग के पास होना चाहिए, अगर यह सर्टिफिकेट नहीं है तो आप लोग का एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है या एडमिशन लेने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो जब भी आप लोग काउंसलिंग के लिए यहाँ पर आएँ तो आप लोग अपने पास मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ये सब ले कर आएँ ताकि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अब कि जो है BAU के अंतर्गत किस किस कॉलेज में PG के लिए कितना कितना सीट है। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सवर भागलपुर का प्रोस्पेक्टस है जो कि सेशन 2024-25 के लिए है MSc और PhD डिग्री के लिए। इसमें हम लोग बात करेंगे कि जो है टोटल सीट के बारे में, ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं BAU का जो मेन कैंपस है बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज सवर भागलपुर, उसमें, ठीक है, उसमें अगर हम बात करें तो उसमें BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स के लिए 100 सीट है जिसमें 85 स्टूडेंट जो है BCC से आता है और 15 स्टूडेंट जो है ICR से आता है, ठीक है। इसमें जो टोटल सीट बताया गया है वो जो ICR को सीट को इंक्लूड करके बताया गया है। उसको अगर हम बात करें कि MSc एग्रीकल्चर में तो केवल बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज जो कि सवर भागलपुर में उसमें 131+8, ठीक है। स्टार का मतलब क्या होता है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, स्टार का मतलब क्या हुआ, सीट्स आर नन फेलोशिप एंड नन रेसिडेंशियल, मतलब 8 ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको ना तो यहाँ पर रहने के लिए रूम मिलेगा ना ही उनको कोई जो है स्कॉलरशिप यानी कि फेलोशिप की जो राशि मिलती वो भी नहीं मिलेगी 8 सीट पर, ठीक है। और PhD की बात करें तो वही PhD में जो है 47+4 है, ठीक है, इसमें जो 4 सीट जो है नन फेलोशिप एंड नन रेसिडेंशियल है। तो
तो ये था बिहार कृषि कॉलेज सबौर भागलपुर का। अब हम बात करते हैं मंडन भारती कृषि कॉलेज अगवानपुर सहरसा के बारे में। तो यहाँ पर भी जो बी एस सी एग्रीकल्चर में 100 सीट है, जिसमें से 85 स्टूडेंट जो है बी सी सी से आएंगे इस बार और 15 स्टूडेंट जो है आई सी आर से आएंगे, ठीक है। एम एस सी एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पर 4 सीट है। पी एच डी केवल जो है बिहार कृषि कॉलेज सबौर भागलपुर में ही होता है, तो इसलिए पी एच डी का सीट केवल और केवल बी एस सी सबौर में ही है। आगे हम बात करते हैं वीर कुंवर सिंह कृषि कॉलेज डुमरांव बक्सर के बारे में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल जो है बी एस सी एग्रीकल्चर में भी 100 सीट है और एम एस सी में भी यहाँ पर 4 सीट है, और चारों सीट क्या है, नॉन रेसिडेंशियल और नॉन फेलोशिप वाले हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं भोला पासवान शास्त्री कृषि कॉलेज पूर्णिया के बारे में। यहाँ पर भी बी एस सी एग्रीकल्चर में 100 सीट है, ठीक 100 सीट है, और एम एस सी एग्रीकल्चर में 6 सीट है। आगे बात करते हैं डॉक्टर कलाम कृषि कॉलेज किशनगंज के बारे में। यहाँ पर जो है एम एस सी एग्रीकल्चर में 16 सीट है, यहाँ पर देख सकते हैं, और 16 भी सीट ही क्या है, नॉन फेलोशिप और नॉन रेसिडेंसी है, यानी कि आप लोगों को रहने के लिए वहाँ पर कोई रूम नहीं दिया जाएगा। आगे बात करते हैं नालंदा कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर यानी कि नूरसराय के बारे में। यहाँ पर जब हम बात करते हैं, यहाँ पर जो बी एस सी हॉर्टिकल्चर का सीट 50 है, ठीक है, और यहाँ पर एम एस सी एग्रीकल्चर की पढ़ाई के लिए 4+2 सीट, यानी कि 2 सीट जो है वो नॉन रेसिडेंशियल सीट है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में बीटेक का कोर्स होता है, जिसमें 60 सीट, यहाँ पर पीजी पीएचडी का अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुई। उसी प्रकार से जो है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो कि आरा बक्सर में भी है, यहाँ पर भी जो है एमएससी या पीएचडी की कोई पढ़ाई नहीं होती है। कॉलेज ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में यहाँ पर 30 सीट है। कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री में भी एमएससी और पीएचडी की पढ़ाई नहीं होती है। आगे हम बात करते हैं कि बीएयू के अंतर्गत जितने भी सीटें हैं उसमें से किस किस कैटेगरी के लिए और कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितना कितना सीट है, यहाँ पर आप लोग इस लिस्ट को देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो सीट है वो सीट जो है सॉइल साइंस में, ठीक है, सॉइल साइंस में जो 22 सीट जो कि सबसे अधिक सीट है। इसमें देखिए बीएयू का जो अपना एग्ज़ाम होता है पीजी का, उससे जो है जो टोटल जो है सीट है वो 18 सीट फिलअप होते हैं और 4 सीट जो है वो आई सी आर साथ हैं। उसी प्रकार से जो और यह जो एग्रोनॉमी के लिए, उसी प्रकार से एम एस सी एग्रीकल्चर ऑनर्स में जो है 4 सीट यहाँ पर हैं बी ए यू के एग्ज़ाम से और 1 सीट जो है आई सी आर से फिलअप होते हैं, यानी कि टोटल जो है 5 सीट हैं। एम एस सी यह जो है पूरे ओवरऑल बी ए यू के अंतर्गत जितने कॉलेज हैं सभी कॉलेज को मिलाकर यह सीट बताया गया। उसी प्रकार से एम एस सी इंटोमोलॉजी की अगर बात करें तो 12 सीट जो है बी ए यू के एग्ज़ाम से भरते हैं और 2 सीट जो आई सी आर से भरते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट में जो है 5 सीट हैं और आई सी आर से इसमें जो है 2 सीट हैं। उसी प्रकार से आप लोग इस लिस्ट को देख सकते हैं कि अगर हम बात करें कि फ्रूट साइंस में, तो फ्रूट साइंस में बी ए यू के एग्ज़ाम से 17 सीट हैं और जो है आई सी आर के एग्ज़ाम से इसमें 3 सीट हैं। वेजिटेबल में जो है बी ए यू के एग्ज़ाम से इसमें 13 सीट फिल होंगे और आई सी आर के एग्ज़ाम से 4 सीट फिल होंगे। उसी प्रकार से मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में जो है बी ए यू के एग्ज़ाम से 6 सीट फुल होंगे और आई सी आर के एग्ज़ाम से 2 सीट फुल होंगे। इसी प्रकार से आप लोग देख सकते हैं यहाँ भी कि सॉइल साइंस में जो है बी ए यू के एग्ज़ाम से इसमें 22 सीट फुल होंगे और जो आई सी आर के एग्ज़ाम से इसमें जो 4 सीट फुल होंगे। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो बी ए यू के एग्ज़ाम से जो है 140 सीट फिल होते हैं और आई सी आर के एग्ज़ाम से 35 सीट फुल होते हैं, यानी कि टोटल अगर बात करें तो 175 सीट के आसपास, यानी कि 175 सीट जो है यहाँ पर 175 सीटों पर यहाँ पर एडमिशन होता है पीजी के डिग्री कोर्स के लिए। आगे और उसके बाद हम देखते हैं कि अलग अलग कैटेगरी के लिए किस किस कैटेगरी के लिए किस किस डिपार्टमेंट में कितना कितना सीट है। जैसा कि पीछे हम लोगों ने देखा कि बीयू यानी कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय में एग्रोनॉमी के लिए 18 सीट है, जिसमें से यूआर के लिए 5 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट है, बीसी के लिए 3 सीट है, ईबीसी के लिए 4 सीट है, एससी के लिए 3 सीट है, एसटी के लिए 1 सीट है। उसी प्रकार से आप लोग भी सब डिपार्टमेंट में देख सकते हैं कि जो यहाँ पर इंटोमोलॉजी में की अगर बात करें तो जो है 3 सीट यूआर के लिए है, 1 सीट जो है ईडब्ल्यूएस के लिए है, 1 सीट बीसी के लिए, 1 सीट 3 सीट ईबीसी के लिए है, 3 सीट एससी के लिए है, ठीक है। तो ये से भी आप लोग खुद से भी देख कर समझ सकते हैं। उसी प्रकार से अगर बात करें कि फ्रूट साइंस के बारे में, तो फ्रूट साइंस में क्या है कि 4 सीट जो है यूआर के लिए है, 2 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए है, 3 सीट बीसी के लिए है,
5 सीट ईबीसी के लिए, 3 सीट एससी के लिए। ठीक है, तो आप लोग भी इस चार्ट को देख सकते हैं खुद भी और पता कर सकते हैं क्या कि किस किस कैटेगरी के लिए किस किस डिपार्टमेंट में कितना कितना सीटों को रिजर्व किया गया है। उसके बाद देखिए क्या कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, वहाँ पर जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि काउंसलिंग लेटर में, वही यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि बीएससी एग्रीकल्चर में 60% या 6 ओजीपी 10 में होना चाहिए। अगर कोई एससी एसटी कैंडिडेट है तो उसका 55% या 5.5 ओजीपी होना चाहिए। ठीक है, जिस कॉलेज से स्टूडेंट पास किया है वो कॉलेज आईसीआर के एग्रीडेट होना चाहिए। उसके बाद है कि जब फर्स्ट डेट ऑफ काउंसलिंग आता है तो उसमें उसके पास पीडीसी और ट्रांसक्रिप्ट उसके पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर चीज़ है, एडमिशन टू मास्टर डिग्री प्रोग्राम इज ओपन फॉर डोमिसाइल ऑफ बिहार ओनली, यानी कि जिनका निवास स्थान जिनका घर जो है बिहार में, वही केवल स्टूडेंट जो है पीजी के लिए यहाँ पर एलिजिबल है। अगर कोई स्टूडेंट मान लेते कोई बंगाल का, उनका घर बंगाल, उनका डोमिसाइल बंगाल है, तो वह जो स्टूडेंट है बीएयू का जो पीजी का जो अपना एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम से इस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते। अगर उनको इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो उनको इस कॉलेज में आईसीआर के एग्ज़ाम से पास होकर आना पड़ेगा, जो कि इस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके बाद भी अगर आप लोग के मन में कोई डाउट रह गया होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। यहाँ काउंसलिंग में आने से पहले आप लोग अपने साथ काउंसलिंग लेटर लेके आएँ और जितने भी डॉक्यूमेंट है सबका आपके पास कम से कम 2 फोटोकॉपी होना चाहिए। अगर बाय चांस कहीं कोई मिस्टेक भी हो गया तो आपके पास एक रहेगा तो आप लोग उससे काम चला सकते हैं। और जब भी आप आएँ तो काउंसलिंग लेटर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट को लेकर आएँ, नहीं तो आप लोग को यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। और कितना कितना फी लगेगा मैंने उसके बारे में पीछे ही वीडियो बना दिया है, आप लोग उस वीडियो में जाकर चेक कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहां जाकर एक बार जरूर चेक करें। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।